दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 15 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो जिनकी रैंकिंग भले ही खराब हो लेकिन उनकी रीच वो बहुत ज़्यादा बेटर है। टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो चलिए देखते हैं वो 15 कॉलेज कौन कौन से हैं। तो आपका रैंक 15 का कॉलेज है अमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ लोकेटेड है, यूपी में, और इसकी NIRF रैंक जो है वो कितनी है, 35। NIRF रैंक कितनी है, 35, और इसका एवरेज पैकेज जो रहता है वो 4 लाख पर एनएम का रहता है, 4 लाख पर एनएम का अमिति यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका है रैंक 14 का BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, जिसको जिसमें आपने अगर प्रवेश लेना है तो आपको किस एग्ज़ाम को क्रैक करने पड़ेगा, कॉमेडिक। कॉमेडिक एग्ज़ाम को क्रैक करके ही आप इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। इनकी रैंक की बात करें NIRF रैंक, तो ये है 35, और एवरेज पैकेज इसका रहता है 4 लाख पर एनएम का, 4 लाख पर एनएम का इसका एवरेज पैकेज जो है वो रहता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका रैंक 13 का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसके जिसको कॉइप के नाम से भी जाना जाता है, कॉइप पुणे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेगा, MHCET के एग्ज़ाम को क्रैक करके ही आप इस कॉलेज में जो है एडमिशन पा सकते हैं। इसके NIRF रैंक की बात करें तो NIRF रैंक इसकी है 49, यानी कि 49, और एवरेज पैकेज इसका रहता है 5 लाख पर एनएम का, 5 लाख पर एनएम का। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका रैंक 12 पे सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, इसको एग्ज़ाम इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा, तो SAT EEE एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करके ही आप इसमें एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो इसकी NIRF रैंक है 47, यानी कि 47, और एवरेज पैकेज जो इसका रहता है वो रहता है 4 लाख पर एनएम का, 4 लाख पर एनएम का। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है अपना SRM चेन्नई, SRM चेन्नई, जिसको जिसमें एडमिशन पाने के लिए आपको किस एग्ज़ाम को क्रैक करने पड़ेगा, SRN JEE एग्ज़ाम को आप क्रैक करके इसमें एडमिशन पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो NIRF रैंक इसकी है 36, और एवरेज पैकेज रहता है इसका 5 लाख पर एनएम का, 5 लाख पर एनएम का इसका एवरेज पैकेज रहता है। आगे बात करें 10 नंबर पर, तो वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, जिसमें एडमिशन पाने के लिए आपको KAITI के एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप KAITI के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप इसमें जो है प्रवेश पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो वो है 48, और एवरेज पैकेज इसका रहता है 5 लाख पर एनएम का, 5 लाख पर एनएम का। 9वीं रैंक की आपकी यूनिवर्सिटी है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, जिसकी NIRF रैंक 44 है, और एवरेज पैकेज जो इसका रहता है वो रहता है 5 लाख पर एनएम का, 5 लाख पर एनएम का। नेक्स्ट आपका रैंक 8 का, ये 8 है फ्रेंड्स, गलती से 9 लिख दिया गया, उसका आपका मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, जिसको क्रैक जिसमें आप MUOET के एग्ज़ाम को क्रैक करके इसमें एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो ये है इसकी 43, और एवरेज पैकेज रिस्क रहता है 5.5 लाख पर एनएम का, 5.5 लाख पर एनएम का। नेक्स्ट आपका है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका गुजरात में लोकेटेड है। इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको DA
आईआईसीटी का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा जिससे कि आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। एनआईआर रैंक की बात करें तो 91 है, लेकिन इसका एवरेज पैकेज है जो है वो है 8 लाख पर एनम। फ्रेंड्स, मैंने एक अपनी पहली वीडियो आपको बताई थी जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे आपको अपने कॉलेज को चूज़ करने को लेकर। उसमें मैंने बोला था कि जो रैंक है कॉलेज की वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो रैंक कॉलेज की बनाई जाती है वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एरिया, बाकी सब को मिलाकर बनाया जाता है। तो कई कॉलेजेस ऐसे भी है जिनमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनको लेकर थोड़ा वो वीक है, तो इसलिए इनकी रैंक गिर जाती है, लेकिन इनकी रिचनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे है रैंक 6 का आपका एम एस रमैया इंस्टीट्यूट बेंगलोर, जिसमें आपको कॉमेडेक का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इसमें एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो वो है आपकी 64 और एवरेज पैकेज इसका रहता है 6.5 लाख पर एनम का। नेक्स्ट है आपका रैंक 5 का RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, जिसमें आपको कॉमेडिक का एग्ज़ाम क्रैक करके एडमिशन पा सकते हैं और NIRF रैंक की बात करें तो 63 है। एवरेज पैकेज इसका 6.5 लाख का रहता है। नेक्स्ट, चौथे रैंक की बात करें तो BIT मिश्रा रांची, जिसमें आप JEE मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करके इसमें एडमिशन पा सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। रैंक आपकी बात करें NIRF की तो 33 और एवरेज पैकेज इसका 7 लाख पर एनम का रहता है। नेक्स्ट है आपका VIT विल्लोर, जिसका VIT EEE का एग्ज़ाम क्रैक करके इसमें एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। रैंक की बात करें तो 18 और एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख पर एनम का इसका एवरेज पैकेज जो वो है रहता है। नेक्स्ट, ये दो यूनिवर्सिटी जो है इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जो ज़रूरत है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इनकी रिचनेस इतनी ज़्यादा है कि बच्चा बच्चा इन इंस्टीट्यूट्स के नाम और इनकी जो अंदर एजुकेशन होती है उसके बारे में जानता है। आपकी है 2 नंबर पे थापर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, पटियाला। इसमें आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। रैंक की बात करें तो 23 इसकी रैंक है और एवरेज पैकेज इसका आपका रहता है 9 लाख पर एनम का। 9 लाख पर एनम का इसका एवरेज पैकेज रहता है। 23 इसकी NIRF रैंक है। JEE मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। नाम है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। नेक्स्ट, जिसको ये जो यूनिवर्सिटी है इसको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। 25 इसकी रैंक है NIRF। एवरेज पैकेज इसका रहता है 10 लाख पर एनम का। BITSET का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। नाम है बिट्स पिलानी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में लोकेटेड है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप BITSET का एग्ज़ाम करके इसमें एडमिशन पा सकते हैं। NIRF रैंक की बात करें तो वो है आपकी 25। एवरेज पैकेज इसका रहता है 10 लाख पर एनम का। नाम क्या है, बिट्स पिलानी, जो कि कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, तो झुंझुनू ज़िले में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में लोकेटेड, जिनकी रैंक भले ही ख़राब हो लेकिन इनके एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है या इनके कॉलेजेस के अंदर जो स्टडी है उस पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप भी अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आंखें बंद करके इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज रिव्यूज़ की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 3 कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हम जो ये आपको 15 कॉलेजेस बताए हैं इनके बारे में भी, इनके कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियोज़ भी ज़रूर लेके आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।